सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 57 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच के पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलते रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 12 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दो टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दो टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो पहली टीम मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम गुजरात टाइटन्स की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है और 1 मैच हार के आ रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग गुजरात टाइटन्स 1 मैच से आगे चल रही है। तो वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहां पे मुंबई इंडियंस 3 मैच जीत के आए तो वहीं गुजरात टाइटन्स 7 मैच जीत के आ रही। तो यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि गुजरात टाइटन्स आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए दो टीमों का किम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहां पे मुंबई इंडियंस का 60% देखने को मिल रहा है तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 70% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस का 183 है तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 169 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मुंबई इंडियंस का 216 है तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 227 है। अगर लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस का 139 है तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 119 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो कंपेरिजन के मामले में दोनों का इक्वली फॉर्म देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की और आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी। तो हैजी सनशाइन देखने को मिलेगी। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 39.2 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 47% रहेंगे, वहीं 2% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। तो बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। तो इस पिच पे अभी तक टोटल 110 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि डिफेंड करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे लो स्कोर हो सकते हैं। अगर वहीं चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी इजिली वे में मैच चेस कर सकती है। तो जो जितने भी अभी तक रिसेंटली मैच खेले गए हैं इस पिच पे, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला। अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पे 160-165 के लमसम रन जाएगी। अगर वहीं सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में भी उतना रन जा सकती है। तो काफ़ी अच्छा मैच है क्योंकि यह मुंबई का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर मुंबई के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है मैच जीतने के लिए। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। वहीं अगर बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं, तो पहली टीम मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, नो डाउट काफ़ी जबरदस्त फॉर्म में आ गई है। अगर स्टार्टअप की बात की जाए तो स्टार्टअप में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। अगर वहीं अगर रिसेंटली 2-3 मैच की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा फॉर्म में दिखी। वहीं अगर ओपनर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रन स्कोर किए जा रहे हैं ओपनर द्वारा, और बॉलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है मुंबई इंडियंस का। अगर वहीं दूसरी टीम गुजरात टाइटन्स की बात करें, नो डाउट पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी काफ़ी धमाल मचा रही है। अगर इनके बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पिछली मैच की बात की जाए तो पिछला मैच होम ग्राउंड था जो मुंबई अपना मैच जीत के आ रही है। तो ये भी जो ग्राउंड जिस ग्राउंड पर मैच होने वाला है तो ये भी मुंबई का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर मुंबई पूरी कोशिश करेगी ये मैच जीतने के लिए। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते फ्रेंड दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम मुंबई इंडियंस के की प्लेयर की बात करें तो रोहित शर्मा, टीम डेविड, तिलक वर्मा, पीयूष चावला। वहीं दूसरी टीम गुजरात टाइटन्स के की प्लेयर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, डेविड मिलर, मोहम्मद शमी। तो ये रहे दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं।
तो फाइनली फाइनली हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मुंबई इंडियंस हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।